नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेट। मैं हूँ आपके साथ सोनी। आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके न्यूनतम वेतन में 186% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 186% की बढ़ोतरी आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है, यदि सब कुछ ठीक रहा तो। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत कम से कम 18,000 रुपये प्रति महीना मासिक वेतन दिया जाता है, जो कि छठे वेतन आयोग के 7,000 से लगभग 1.58% ज्यादा है। यदि केंद्र सरकार 2.86 के फिटनेस फैक्टर को मंजूरी देती है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186% से बढ़कर कम से कम 51,480 रुपये हो जाएगा, जो कि वर्तमान वेतन से लगभग 3 गुना है। बता दें, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से न केवल सैलरी बल्कि पेंशन में भी इजाफा होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो पेंशन भी कम से कम 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार आठवें वेतन आयोग के तहत पेंशन में भी 186% की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2025-26 के बजट में घोषित किया जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2024-25 के बजट में भी आयोग गठन की मांग की गई थी। इसके लिए कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रियों से मुलाकात भी की थी। बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने जुलाई और अगस्त 2024 में आयोग के गठन के लिए मांग भी की थी, तो ऐसे में दिसंबर में होने वाली बैठक के बाद इस पर स्पष्टता आने की संभावना जताई जा रही है कि शायद इसे लेकर भी इसमें कोई चर्चा या फिर इसे लेकर कोई निर्णय इसमें लिया जा सकता है इस खास बैठक में। इससे पहले भी उम्मीद थी कि यह मीटिंग इसी महीने हो सकती है, लेकिन बाद में इस दिसंबर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आमतौर पर वेतन आयोग की स्थापना हर साल 10 साल की में की जाती है। हालांकि इसके लिए कोई प्रोविजन लागू नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में की गई थी और इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 में लागू की गई थी। तो इसके तहत न्यूनतम मूल्य वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था। आपको बता दें कि वर्तमान में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स हैं, और अब एक बार फिर से कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग के माध्यम से उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि होगी। लेकिन अभी इसको लेकर हमने जैसा अभी आपसे कहा कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आठवें वेतन का भी ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।